एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीज फिश। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ वेरी अमेजिंग रेसिपी कॉल्ड पास्ता। सो गाइस, आई एम सो मच एक्साइटेड टुडे बिकॉज आई लव चाइनीज एंड आई नो आप लोगों को भी चाइनीज पसंद होगा बिकॉज नाउ डेज सारे यंग जनरेशन को चाइनीज बहुत पसंद है। जैसे कि हम लोगों को मैगी, नूडल्स, चाउमीन एंड पास्ता, मोमो, ये सब बहुत पसंद होता है खाने के लिए। सो मैं सोची क्यों ना आज कुछ चटपटा और टेस्टी रेसिपी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरे सारे अपडेट इस वीडियो को देखने के लिए। एंड गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सो एक्साइटेड। सो गाइस, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर आर रेसिपी पास्ता। एंड गाइस, इसके लिए हमें लेना है टर्मरिक पाउडर, मिर्ची पाउडर एंड चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड कैरेट एंड चॉप्ड कैप्सिकम एंड चॉप्ड धनिया पत्ता। एंड उसके साथ हमें चाहिए स्प्रिंग पास्ता एंड सोया सॉस एंड टमाटो सॉस। एंड उसके साथ साथ आपको सॉल्ट एंड चिकन मसाला लेना है। एंड गाइस, अब गैस ऑन करते हैं एंड वाटर को बॉईल करते हैं। एंड मैं अब इसमें ऑयल ऐड करूंगी ताकि पास्ता नॉन स्टिकी रहे। गाइस, अब वाटर बॉईल हो चुकी है तो अब इसमें पास्ता डालते हैं। एंड अब इसे ऐसे ही थोड़ा बॉईल होने देते हैं। एंड नाउ बॉइल्ड पास्ता इज रेडी। एंड अब मैं इसे दूसरे कंटेनर में रख दूंगी कुछ टाइम के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। एंड अब हमें फ्राइंग पैन लेना है एंड उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें थोड़ा क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड डालना है। अब थोड़ा फ्राई करते हैं इसे। एंड गाइस, ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप ऑनियन। अंटिल ऑनियन टर्न्स इनटू ब्राउन कलर हमें इसे कुक करना है अच्छे से। सो या आप लोग देख सकते हो ऑनियन ब्राउन कलर का हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप्ड कैरेट एंड कैप्सिकम ताकि ये ज़्यादा टाइम लेता है कुक होने में। सो मैं ये दो चीज़ पहले डाल देती हूँ एंड अच्छे से कुक होने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। एंड इट्स रेडी। अब मैं इसमें चॉप्ड टमाटो को डालूंगी। अब अच्छे से मिक्स करते हैं सबको। सो गाइस, सारे वेजिटेबल्स कुक हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी ताकि टमाटो अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड नाउ एज पर आर टेस्ट मैं इसमें चिली पाउडर ऐड करूंगी। एंड देन आई ऐड सम टर्मरिक पाउडर। गाइस, अब सारे मसाले को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। नाउ यू कैन सी टमाटो अच्छे से मिक्स हो चुका है, जूसी जूसी जैसा दिख रहा है अब हमें। सो अब हम इसमें पास्ता ऐड करते हैं एंड अच्छे से इसे मिक्स करते हैं मसाले के साथ। And now we will add some tomato ketchup. अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं पास्ता के साथ। And then we will add some soya sauce and इसे अच्छे से मिक्स करते हैं पास्ता के साथ। So at last हमें चिकन मसाला ऐड करना है पास्ता में।
बिकॉज ये थोड़ा टेस्ट को बढ़ाएगा। तो इसे भी डाल के मिक्स करते हैं। वाओ, इट्स लुकिंग यम, बट स्टिल इट्स इनकम्प्लीट। सो इसे कंप्लीट करने के लिए मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी धनिया पत्ता, जो कि पास्ता की टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। एंड नाउ पास्ता इज़ रेडी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे सारे अपडेटेड वीडियोस को देख सको। एंड ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई करना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना हाउ इज़ इट।